बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माय नेम इज़ अदनान चुगतई एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेटजी रिव्यू एवेल्युएशन एंड कंट्रोल इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। हमने सारी चीज़ें बनी कि स्ट्रेटजी बनानी कैसे है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि हमने उसको रिव्यू करना होता है, यानी जो हमने प्लान उसका बनाया था तो हम उसको लेके देखें कि हमने उस रिव्यू करें कि हमारा वो प्लान जो था सक्सेसफुल है, नहीं है, नहीं है तो क्यों है, फिर उसे एवेल्युएट करें और फिर उसके जो कंट्रोल जो पैरामीटर्स हैं उसको हम फॉलो करें। हम इसमें कहते हैं स्ट्रेटजी रिव्यू एंड एवेल्युएशन एंड कंट्रोल क्या होता है कि जी द बेस्ट फॉर्मुलेटेड एंड बेस्ट इंप्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज बिकम ऑब्सोलीट एज फर्म एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज। देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेटजिस्ट टू सिस्टमैटिकली रिव्यू एवेल्युएट एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज। जब भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, हम उसको स्ट्रेटजी बनती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हम फॉर लाइफ लॉन्ग टाइम नहीं उसको चलाते हैं या उसको एक लॉन्गर पीरियड पे नहीं चलाते, क्योंकि हमारा जो फर्म का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो तो इतना डायनामिक नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत डायनामिक होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो होता है वो कंट्रोलेबल भी नहीं होता, हमें उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को रीशेप करना पड़ता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है दैट कीप ऑन चेंजिंग, डिफरेंट नीड्स आपकी चेंज कर रही हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की जो है आपकी नीड्स चेंज हो रही हैं, लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को जो पॉलिसीज हैं वो टाइम टू टाइम उसको उसके हिसाब से एवेल्यूएट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो फर्म्स की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी होती है वो ऑब्सलीट हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो है सोर्सफुल नहीं रहती। इसलिए जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो रिव्यू वो जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं और एवेल्युएट कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं, ताकि उन चीज़ों को जो ऑब्सोलीट होती जा रही है उनके हिसाब से नई स्ट्रेटजीज को बनाया जाए, नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, नई चीज़ों को फिर आगे उसके रिजल्ट्स को एवेल्युएट किया जाए और उन स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए। स्ट्रेटजी रिव्यू एवेल्युएशन एंड कंट्रोल के अंदर कहते हैं जी स्ट्रेटजी एवेल्युएशन जो है इज स्ट्रेटजी एवेल्युएशन इज वाइटल टू एन ऑर्गेनाइजेशंस वेल बीइंग। Timely evaluations can all alert management to potential or actual problems before a situation becomes critical. Strategy evaluation जो है वो organization की sustainability और well-being के लिए बड़ी important है, कि उसकी जब तक evaluation time to time ना करते जाएं, कि अगर आपके external leads आपकी change हो रही हैं, आपके internal factors जो हैं वो problematic हो रहे हैं, उनको time to time address ना किया जाए, technology को और बाकी चीज़ों को timely ना देखा जाए, तो ये प्रॉब्लम जो है ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को सफ़र कर सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है टाइम टू टाइम एवेल्यूशंस करते रहें और वो जो एवेल्यूएटर्स हैं वो मैनेजमेंट को बेसिकली अलर्ट कर रहे होते हैं कि पोटेंशियल चेंजेस की जी हम ये चीज़ फोरसी कर रहे हैं और इन चीज़ों को इस तरह से अगर हम करें तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही बात ये कहता है कि टाइमली एवेल्यूशंस कैन अलर्ट मैनेजमेंट टू पोटेंशियल और एक्चुअल प्रॉब्लम्स बिफोर अ सिचुएशन बिकम्स क्रिटिकल। स्ट्रैटेजी एवोल्यूशन इंक्लूड्स थ्री बेसिक एक्टिविटीज। स्ट्रैटेजी एवोल्यूशन में हम मेजरली तीन चीज़ों को देख रहे होते हैं, एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग बेसिक ऑफ अ फर्म स्ट्रैटेजी, जो करंट स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको एग्जामिन कर रहे होते हैं, कंपेयर विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स विद द एक्चुअल रिजल्ट्स, कि हमने जो एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर एक हाइपोथेसिस डेवलप किया था, एक रिजल्ट लिया था कि हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि जी हमें जो है हम अपनी सेल्स की या हम अपनी ग्रोथ को या हम प्रोडक्शन को इस लेवल पे देखते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल रिजल्ट्स यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एग्जीक्यूटेड पॉलिसीज स्ट्रेटजीज। थर्ड कहता है कि टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर द परफॉर्मेंस कंफर्म्स टू प्लान्स। तो जब आपने अपनी फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी करंट स्ट्रेटजीज को एग्जामिन किया, सेकंड में आपने अपनी जो एग्जीक्यूटेड स्ट्रेटजीज से रिजल्ट्स थे, फिर एग्जिस्टिंग के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं हम, जो हमने एस्टिमेटेड किया होता है जो एक्सपेक्टेड थे हमारे रिजल्ट्स, उसके साथ हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करके फिर हम अब देखते हैं एक्शन प्लान अपना बनाते हैं कि हमें जो है क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, या अगर हम जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे बहुत बेहतर है तो हम इसी को कंटिन्यू करें। स्ट्रेटजी एवोल्यूशन एडिक्वेट एंड टाइमली फीडबैक इज द cornerstone of the effective strategy evolution। वो ये कहता है कि timely feedback जो है वो strategic evolution के अंदर बहुत एक मायने रखती है चीज़, कि जो आपकी adequate जो है accurate and timely feedback is the main pillar of effective strategy evolution। strategy evolution
इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन फेस डायनेमिक एनवायरमेंट्स इन द इन विच की एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स कैन चेंज क्विकली एंड ड्रामेटिकली। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो डायनेमिक होता है एक्सटर्नल और वो कीप्स ऑन चेंजिंग है। इंटरनल फैक्टर्स भी चेंज हो रहे होते हैं और आपके जो है एक्सटर्नल तो है वो तो कंट्रोलेबल ही नहीं है ना, वो तो बहुत ही डायनेमिक एनवायरमेंट है और ड्रामेटिकली चेंजेस उसमें आ रही होती हैं। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स जो कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग अचीव्ड, कि जो आपकी जो बेसिकली आपके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके जो आपने बनाया होता है गोल सेटिंग या आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं मिशन विजन स्टेटमेंट में जो आप अचीव करना चाह रहे थे, क्या आपने स्ट्रेटजी इवोल्यूशन जो है वो उसको आपको बता देता है कि आप उसके करीब करीब हैं, आपने अचीव कर ली है या आप अचीव कर पाएंगे भी कि नहीं अचीव कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी इवोल्यूशन जो है ना आपको ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर दे देता है कि आप कहाँ खड़े हैं। एक क्राइटेरिया डिफाइन किया रोमेरस ने जो फोर जो मतलब क्राइटेरिया है उसने स्ट्रेटजी इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर बताया कि उसने कहा जी कंसिस्टेंसी, कंसोनेंस, फिजिबिलिटी एंड एडवांटेज। कंसिस्टेंसी आप कंसिस्टेंट है, कंसोनेंस का मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट और कंपेटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस, कंसोनेंस बिटवीन कंजर्वेशन मेजर्स एंड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, फिजिबिलिटी की कितना फिजिबल है और एडवांटेज क्या है उससे हम एडवांटेज गेन करें। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करते हैं, अ स्ट्रेटजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट विद गोल्स एंड पॉलिसीज, कि जो भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और पॉलिसीज से इख्तलाफ ना करें, इनकंसिस्टेंट ना हो। कि अगर आपने सफर्ज करें कि आपने अपने से डिफरेंट कोई स्ट्रेटजी बना ली है और आप उसे अचीव ही नहीं कर पाते, ना आपके पास स्किल है ना टेक्नोलॉजी है ना आपका गोल फोकस होता है, तो फिर उसको फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाए। कंसोनेंस कहता है नीड फॉर द स्ट्रेटजिस्ट टू एग्जामिन सेट ऑफ ट्रेंड्स एज वेल एज इंडिविजुअल ट्रेंड्स, कि कंसोनेंस में ये होता है कि जो भी स्ट्रेटजिस्ट हैं स्ट्रेटजीज बना रहे हैं या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या स्ट्रेटजीज को वो स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट को बड़ा कीनली ऑब्जर्व करें, ट्रेंड चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेंड्स क्या हैं, ग्रुप ट्रेंड्स क्या हैं, इन क्या कहना चाहिए आपका इन मेजर ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, तो इन चीज़ों को वो आइडेंटिफाई करें। फिजिबिलिटी के अंदर कहता है कि नाइदर ओवरटैक्स रिसोर्स और नॉट क्रिएट अनसॉल्वेबल सब प्रॉब्लम्स, कि फिजिबल आपको होना चाहिए कि आप कोई ऐसा ना करें कि ओवरबर्डन हो या ऐसी ना कोई चीज़ करें जिसके आपके पास सोल्यूशन ना हो। एडवांटेज ये है कि जी कंपेटिटिव एडवांटेज भी हो सकता है, क्रिएशन और मेंटेनेंस ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज, कि आपका जो स्ट्रेटजी के अंदर एडवांटेज है वो प्लस पॉइंट क्या है जो आपको कंपेटिटर से एज देती है। नेक्स्ट जी स्ट्रेटजी इवोल्यूशन शुड इंक्लूड क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटजी इवोल्यूशन शुड इनिशिएट मैनेजरियल क्वेश्चंस ऑफ expectations and assumptions, strategy evaluation should trigger a review of objectives and values, strategic evaluation should stimulate creativity in generating alternative strategies and formulating criteria for evaluation, strategy evaluation should be performed on continuing basis rather than at the end of specific periods of time or just after problems occur। कुछ बातें इसने कही है कि strategic evaluation के अंदर इंतहाई जरूरी है जिनको हम फॉलो करते हैं और ओवर नहीं करते, कि स्ट्रेटजी एवोल्यूशन के अंदर लाजमी है कि आपके अंदर क्वेश्चनिंग हो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शंस की और अजम्पशंस की, एक्सपेक्टेशन आप क्या की क्या है और आप अज्यूम क्या कर रहे हैं और उसे फिर आप अपनी करंट एफिशिएंसी के साथ रिलेट करते हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज को जो है बार बार रिव्यू करते रहते हैं। स्ट्रेटजिक एवोल्यूशन के अंदर क्रिएटिविटी जो है ज़रूर होनी चाहिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी प्लान्स के अंदर और फॉर्मुलेटिंग क्राइटेरिया फॉर एवेल्यूशन, कि अगर आपने स्ट्रेटजी को बीच में ही चेंज करना है या उसको अल्टर करना है मॉडिफाई करना है तो आपके पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हो कि अगर इस तरह से नहीं है तो हम इसको इस तरह से करेंगे और उसकी भी एवेल्यूशन का क्राइटेरिया डिफाइंड हो। और जो आपकी स्ट्रेटजी एवेल्यूशन है वो टाइमली वो जो है टाइम टू टाइम कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम एक साल के बाद कर रहे हैं या हमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम कर रहे हैं, नहीं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, हमें ये साथ साथ लेकर चलनी पड़ती है सो दैट हम कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए या हम कोई प्रॉब्लम को ओवरलुक ना कर रहे हो या हम कोई परसीव ना कर रहे हो। बेसिकली इसके अंदर परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम प्रॉब्लम को परसीव कर लें और आने से पहले उसका हम हल कर लें तो हमारे ऑपरेशन जो है वो स्मूथ रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते। रिव्यू ऑफ अंडरलाइंग बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी, दो तरह से रिव्यू की जा सकती है, एक
आईएफई मैट्रिक्स का मेथड है, ईएफई मैट्रिक्स का मेथड है। आईएफई और ईएफई ये है कि आईएफई है इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, यानी आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करते हैं, वैल्यूएट करते हैं और कंट्रोल करते हैं चीजों को। मॉनिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, बिल्कुल ऐसे ही है कि स्वॉट मैंने आपको बताया बहुत जगह पे, हर जगह पे अप्लाई होता है। स्वॉट जो है बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को करता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ मर्ज करके आप जो है थ्रेट्स को और वीकनेसेस को ओवरकम कर रहे होते हैं। तो जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हमने क्या देखना होता है कि वॉट आर आवर स्ट्रेंथ, जो हमारी स्ट्रेंथ थी क्या वो वाकई स्ट्रेंथ है। स्ट्रेटजी इवोल्यूशन के अंदर जब हम बात करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि आर आवर स्ट्रेंथ स्ट्रिल स्ट्रेंथ, कि जिन फैक्टर्स को बेस करके, जिन स्ट्रेंथ को हम बेस करके चले थे, क्या आज भी वही है हमारी स्ट्रेंथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है वो हमारे स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो गई हूँ या हमारी स्ट्रेंथ डाउन हो गई हूँ, हमारी स्ट्रेंथ जो है या वो उस अपॉर्चुनिटीज को ना इनकैच कर रही हूँ। हैज आवर ऑर्गेनाइजेशन एडेड एडिशनल स्ट्रेंथ, क्या हमने उसके अलावा को ऑल्टरनेट स्ट्रेंथ की थी कि अगर हम इस, अभी तो चलो हमारे पास एक टेम्परेरी स्ट्रेंथ है, हम चल रहे हैं आगे चल के हम जो है नए ट्रेंड्स, नए फोकसेस, नई पॉलिसीज अपेंड करें, क्या वो भी हमारे हमें कम्पेटेटिव एडवांटेज देगी, क्या वो हमारी एडिशनल स्ट्रेंथ होगी। और फिर जो दूसरा फैक्टर इसमें, तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी वीकनेस जो थी जिसको आप लेके चल रहे थे, क्या स्टिल वही वीकनेस है या आपने उसे ओवरकम कर लिया। अगर तो वही वीकनेस चल रही है तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रेटजी इवोल्यूशन में आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और अगर आप उसको एड्रेस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कहता है कि हैज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अदर वीकनेसेस, क्या उस वीकनेसेस के साथ साथ हमने और तो नहीं वीकनेस को डेवलप कर ली। तो इसमें दो चीज़ें उसने बात की है जिस पर बड़ा फोकस करना ज़रूरी है। एक तो ये क्या कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी क्या आज भी वही स्ट्रेंथ है, या और उसके बाद हमने कोई इसके अलावा कोई एडिशनल स्ट्रेंथ भी डेवलप की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और नंबर टू वो ये कहता है कि हमारी वीकनेस जो है स्टिल वीकनेस ही है आ रही है, या कोई मजीद वीकनेस तो उसके साथ ऐड नहीं हो गई है। तो ये चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अपॉर्चुनिटीज़ की वो बात करता है कि आर आवर अपॉर्चुनिटीज स्टिल अपॉर्चुनिटीज, की जिन अपॉर्चुनिटीज़ को बेस करके हमने स्ट्रेटजीज अपनी एग्जीक्यूट की थी और सक्सेसफुली रन करे थे, क्या आज भी वही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं या वो चेंज हो रही हैं। जब वो हम चेंजिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हमें इन्वायरमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स को, चेंजिंग ट्रेंड्स को, इंडिविजुअल की नीड्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हैव अदर और अपॉर्चुनिटीज डेवलप, क्या उस अपॉर्चुनिटी जो आप पहले इनकैश कर रहे थे, जो आपको कम्पिटेटिव एज दे रही थी, उसके साथ आपने को और कम्पिटेटिव एडवांटेज वाली को ऐसी चीज़ आपने अपॉर्चुनिटी डेवलप की है या आइडेंटिफाई की है जिससे आपको मजीद कम्पिटेटिव एज मिले या आप सस्टेन कर सकें उसी तरह से। और फिर हम जब थ्रेट्स की बात करते हैं तो क्या हमारे जो थ्रेट्स हैं वो अभी तक वो वैसे ही अवेलेबल हैं जो हमें थ्रेट्स हमारे कंपेटिटर से थे, हमें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से थे, या उसके साथ और तो कोई थ्रेट एमर्ज नहीं हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं इस स्पॉट के अंदर होंगी कि हमारी स्ट्रेंथ जो थी वो आज भी वही स्ट्रेंथ है, और क्या हमने कोई एडिशनल स्ट्रेंथ ऐड की है या नहीं की, ऐड की, हमारी जो वीकनेसेस हैं स्टिल हमारी वीकनेसेस हैं या हमने ओवरकम कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं उस वीकनेस के साथ हमने कोई और वीकनेस ऐड हो गई हो। फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि जिन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने बेस किया था स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, क्या आज भी हमारे पास वही हैं या हमने कोई उसके साथ कोई एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई किया था उन एरियाज़ पे जिन पर काम करके हम अपना कंपेटिटिव एडवांटेज रीगेन कर सकते हैं। और फिर लास्टली वो थ्रेट्स की बात करता है कि जो हमें थ्रेट्स एसोसिएटेड थे वो क्या वो हमारे थ्रेट्स जो हैं वो मिनिमाइज हुए हैं, ख़त्म तो नहीं होंगे, मिनिमाइज हो सकते हैं, वो थ्रेट मिनिमाइज हुए हैं या वैसे के वैसे हैं, और क्या उनके साथ कोई मजीद और तो नहीं कोई थ्रेट एसोसिएट हो गया हमारे साथ। तो ये जो है स्वॉट में बड़ा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी एवोल्यूशन के अंदर कि हमें स्वॉट एनालिसिस बड़ा डिटेल में करना पड़ता है। बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो टेबल है 9.3 समराइज स्ट्रेटजी एवोल्यूशन एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ की क्वेश्चन दैट शुड बी एड्रेस्ड, alternative answers to those questions and appropriate actions of managers not to take. Note that the corrective action are needed except when external and internal factors have not changed significantly. The firm is making satisfactory progress toward achieving its objective. Relationship among the strategy evaluation activities are illustrated. Strategic Management by David की जो book है इसको आप follow कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सारा data मैं वहीं से ले रहा हूँ और ये आपको ये book बड़ी helpful है। आगे जिस तरह आपके ऑनलाइन पेपर्स हैं उसके अंदर भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। ये देखिए जी टेबल आ गया, टेबल के अंदर उसने जो हम बात करा था कि हैव मेजर चेंजेस अकर इन द फॉर्म इन द इंटरनल स्ट्रेटेजिक पोजीशन, उसमें नहीं है।
हैव मेजर चेंजेस अकर्ड इन द फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन हैव फ्रॉम प्रोग्रेस सैटिस्फैक्टरी टुवर्ड अचीविंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, ये उसका चार्ट है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो जो नहीं थी तो उसमें करेक्टिव एक्शन नहीं आएंगे, येस है चेंज हुई है, चेंज हुई है, चेंज हुई है, उसके हिसाब से एक्शन ले लिया है। तो अब अगर हम आखिर में देखें तो वो कहता है कि जी मेजर चेंजेस अकर्ड इन फर्म इंटरनल स्ट्रेटजी इवोल्यूशन नहीं हुई, एक्सटर्नल में भी नहीं हुई, लेकिन हाँ फर्म प्रोसेस की जो प्रोग्रेस थी वो उसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ थी, तो कंटिन्यू प्रेजेंट स्ट्रेटजिक कोर्स, ये आप उस स्ट्रेटजीज को जो है वो फॉलो करके चलाते रहेंगे। स्ट्रेटजिक इवोल्यूशन का एक फ्रेमवर्क है जो डिफाइंड है, वो ये कहता है कि एक्टिविटी वन रिव्यू द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी, प्रिपेयर अ रिवाइज prepare a revised internal factor matrix, IFE की ये बात कर रहा है। IFE matrix हमने पीछे जो मैंने आपको बताया था EFE होता है IFE होता है, ये IFE की बात कर रहा है। compare revised to existing internal factor evaluation matrix, prepare revised external factor evaluation matrix, और फिर ये कहता है compare revised external EFE। पहले वो ये कहता है कि आप अपनी internal EFE बनाएं, फिर आप अपनी revised EFE बनाएं, उन दोनों को कंपेयर करें, फिर ई एफ ई ओरिजिनल करंट बनाए और फिर रिवाइज बनाए, उन्होंने कंपेयर करें। डू सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर क्या कि आपने कोई डिफरेंस इसमें देखा है, अगर डिफरेंस देखा है तो क्या है, नहीं देखा तो आप एक्टिविटी टू पर चले जाएंगे, मेजर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, आप ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस लेंगे और कंपेयर प्लान टू एक्चुअल प्रोग्रेस टूवर्ड्स मीटिंग देयर स्टैटिक ऑब्जेक्टिव। फिर अगर वो है तो फिर डू सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर क्या आपने पहले तो उसका आई एफ ई एफ ई से किया, अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया तो आप ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे चले जाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में आपने देखी उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया, आपने कहा नहीं आया, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ अगर ई एफ ई आई एफ ई में डिफरेंस आता है तो उसके बाद एक्टिविटी थ्री टेक करेक्टिव एक्शन, आपको एक्शन अपने जो है ना वो फौरी तौर पर अपने करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे और उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। सेम इज़ द केस कि अगर आपके जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अंदर आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं तो आप फॉरन एक्टिव जो है करेक्टिव एक्शंस की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या रिवीजन करनी चाहिए, किन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करके ठीक करना चाहिए। भैया ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं? कंपेयर एक्सपेक्टेड टू एक्चुअल रिजल्ट, बिल्कुल जो आपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स किए थे उनको एक्चुअल के साथ मेजर करें, अगर उसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन है, अगर उसके बराबर है तो आप परफॉर्म कर रहे हैं बैन पर और अच्छी है तो आपकी परफॉर्मेंस रिमार्केबल है। इन्वेस्टिगेट डेविएशन फ्रॉम प्लान, कि अगर उसमें कुछ डिफरेंसेज आ रहे हैं तो आप देखें कि जो आपके एक्शन प्लान है उनसे आपने कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में डेविएट किया है, फिर आप इवेल्यूएट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो आपके बीच में डिपार्टमेंट्स हैं या आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है आप उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और फिर एग्जामिन प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, फिर आप ये देखेंगे कि उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव की तरफ कितना काम किया है। पहले तो आप अपने रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स में आप देखते हैं कि उसमें डेविएशन आ रही है, फिर आप डेविएशन देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ अपनी चीज़ों से डेविएट किया है, फिर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज को एक एक इंडिकेटर फैक्टर को एवेल्यूएट करते हैं, फिर हम उसकी प्रोग्रेस को टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, जो आपके स्ट्रेटेजिक गोल अचीवमेंट है उसकी तरफ जो है उसको देखते हैं कि आपने उसमें कितना उसको फॉलो किया। क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटजी एवोल्यूशन क्या हो सकता है, जो रेशियोज वो यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज यूज फाइनेंशियल रेशियोज टू एवेल्यूएट स्ट्रेटजी एवोल्यूशन इन क्वांटिटेटिव वे, कंपेयर अ फर्म परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, आप कर इसकी परफॉर्मेंस को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के साथ देख सकते हैं, पिछले साल क्या थी, आज क्या थी, वो थी, और उससे आप जो है ना वो एक ट्रेंड निकाल सकते हैं। फिर आप फर्म की परफॉर्मेंस विद देयर कंपेटिटर निकाल सकते हैं कि आपके परफॉर्मेंस आपके कंपेटिटर्स के साथ क्या, आपको कितना कंपेटिटिव एज मिल रहा है, या आपकी कितनी सेल है उसकी कितनी है, आपके कितने डेट्स हैं उसके कितने हैं, आपकी जो स्ट्रेटजिक पोजीशन मार्केट की क्या है उसकी क्या है। फिर आप अपनी जो फर्म की जो परफॉर्मेंस है उसको फिर इंडस्ट्री की एवरेज से करते हैं, पहले आप इंडिविजुअली करते हैं फर्म को विद द पीरियड ऑफ टाइम, फिर विद कंपेटिटर करते हैं, फिर पूरे सेगमेंट से कंपेयर करते हैं कि जी ये 15 इंडस्ट्रीज हैं, 15 इंडस्ट्रीज में हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। इसमें मेजरली जो यूज़ हो रही है वो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको रिटर्न क्या आ रहे हैं, रिटर्न और इक्विटी आ गई कि आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर क्या रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आपके कितने और आपका मार्केट शेयर क्या है, और आप उसके अलावा जो फाइनेंशियल एसेट में देखें डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं कि आपकी फर्म के अंदर आपके एसेट्स कितने स्ट्रॉन्गर हैं आपकी लाइबिलिटीज़ और इक्विटी से, आपकी अर्निंग पर शेयर क्या है, आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, ईपीएस क्या दे रहे हैं, आप उनको कितना दे रहे हैं, आपके सेल्स की ग्रोथ ग्राफ क्या कह रहा है, सेल्स आपकी पिछले साल क्या थी, इस साल क्या है, फोरकास्ट आप कहाँ पे कर रहे हैं,
एसेट की ग्रोथ है जी, कंपनी ने जब स्टार्ट लिया तो उसके एक एसेट थे, अब तीन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी एक है या तीन है, या हो सकता है कंपनी ने बढ़ा दिया और पांच एसेट्स पे काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये रिव्यू देती हैं आपको आपकी परफॉर्मेंसेस का। जब आपने परफॉर्मेंस कर ली, आपने चीजें आइडेंटिफाई कर ली, तो आपने करेक्टिव एक्शंस कैसे लेने हैं। जो कहते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द फाइनल स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स मेकिंग चेंजेस टू कंपेटिटिवली रिपोजिशन अ फर्म फॉर द फ्यूचर। यानी आप अपनी फर्म को, अपनी स्ट्रेटेजीज को रिपोजिशन करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज के हिसाब से, कि हमने ठीक है, हमने इवैल्यूएशन की, हम यहाँ पे थे, हमने अपॉर्चुनिटी, हमने चीज़ों को देखा, हम नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए, उन चीज़ों को, ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करें और नई अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करके जो है वो अपने आप कंपनी को रिपोजिशन करें फॉर फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस दैट मे बी needed and are altering an organization structure, replacing one or more key employees, selling a division, devising a new policies, issuing a stock to raise capital, allocating resources different, revising the firm's mission। यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज की अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। आपके अगर वो प्रोडक्ट लाइन में 8-10 चीज़ें हैं और एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है जो आपकी ग्रोथ में आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, आप उस डिवीजन को सेल कर सकते हैं, आप एक नई डिवीजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने स्टॉक्स को इशू करके उसके अगेंस्ट आप कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, आप अपने शेयर्स को बढ़ा के अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं और फर्म की मिशन को आप रीडिफाइन करके चेंज उसमें करके अपने गोल अचीवमेंट की तरफ दोबारा जा सकते हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक टुवर्ड्स इट्स अचीवमेंट। और वही बात है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस को एवेल्युएट करके आप फिर जो करेक्टिव एक्शंस लेके वापस प्रोग्रेस, ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप सस्टेन करें टुवर्ड्स योर गोल अचीवमेंट, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। द बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ स्ट्रेटजी एवेल्युएशन टूल, इट यूजेस बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। हम एक इसने बात की कि अगर हम स्ट्रेटजीज को वैल्यू, तो उसके अंदर में एक बैलेंस स्कोर कार्ड की इसने बात की है। बैलेंस स्कोर कार्ड जो बेस करता है क्वान्टिटेटिव मेजर्स को भी करता है और क्वालिटेटिव मेजर्स को भी करता है। क्या इसमें अब जिस तरह के क्वेश्चन हैं उसको आप देखें किस तरह से, कि हाउ वेल इज द फर्म कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग एंड क्रिएटिंग वैल्यू अलॉन्ग मेजर्स सच एज इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। आपकी जो इसमें उसने कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है, उसने कोई नई इनोवेशंस को, नई चीज़ें, नई प्रोडक्ट लाइन को, नई सेगमेंट डेवलप किया है, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप उसकी है या नहीं है, टेक्नोलॉजी में वो कितना पीछे है बाकी अपने कंपेटिटर से, और प्रोडक्ट क्वालिटी उसकी क्या है एज कम्पेयर टू इस कंपेटिटर। फिर कहते हैं कि जी हाउ वेल इज़ द फर्म सस्टेनिंग और इम्प्रूविंग अपॉन इट्स कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कम्पिटेटिव एडवांटेज। फिर ये कहता है कि जो उसकी की स्ट्रेंथ थी और जो उसकी अपॉर्चुनिटीज थी उसको वो लेके कैसे चल रहा है और उसके हिसाब से वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ ले रहा है नहीं ले रहा। हाउ सेटिस्फाइड आर द फर्म्स कस्टमर, जो फर्म से एसोसिएटेड हैं लोग, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं वो उससे खुश हैं नहीं है, उसके कस्टमर्स जो हैं वो खुश हैं कि नहीं है, वो उसकी प्रोडक्ट से सर्विसेज से मुतमिन है या नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड अपीयर्ड इन द टेबल, नोट दैट दिस इज द की एग्जाम्पल ऑफ फर्म एग्जामिन सिक्स की इशूज। एक उसने कस्टमर को देखते हैं, एम्प्लॉयज को देखते हैं, फिर हम देखते हैं ऑपरेशनल इशूज़ को, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, बिजनेस एथिक्स एंड नॉर्मल इन्वेंटर और फाइनेंशियल ग्रोथ। इन चीज़ों को देख के हम एक स्कोर कार्ड डिफाइन करते हैं जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मिल जाती है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कंपेटिटर के साथ उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसकी उसके पर्टिकुलर सेगमेंट में, इंडस्ट्री में उसकी ग्रोथ क्या है। तो दिस वॉज द होल रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट टॉपिक्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।